वेद पुराण आदि पारायण मुहूर्त विचार, वेद पुराण स्मृतियाँ जैसे गीता आदि, और आजकल तो भाष्य पारायण भी चलता है, शंकर भाष्य पारायण, जो भी पारायण है उनके मुहूर्त के बारे बता रहे। पारायणम वेद पुराण पद्धते अमंद वारेश्वरम विधारुण ही युग्रैश्च भैर मुक्त गलग्रहैर् भवेत् आरंभितम सद वृषधी नृबोधये। पारायणम वेद पुराण पद्धते है, वेद पुराण आदियों का विशिष्ट पद्धति के अनुसार जो पारायण करना होता है वह किन वार में शुरू करना है? अमंद वारेशो, शनिवार से भिन्न वारों में करना। मंद मने शनि, मंदवार शनिवार, अमंद वार मने शनिवार से भिन्न वारों में करना। और विदारुण ही, दारुण संज्ञा वाले जो नक्षत्र है उनको छोड़कर, अलग अलग संज्ञा आपने पढ़ाए पहले, 18वां चर मृदु तीक्ष्ण आदि नामों से पीठ संख्या 18 में विभाग पर वर्णन किया गया है, देख लेना दोबारा। वहां पर है दारुण नाम के चार नक्षत्र होते हैं, आर्द्र आश्लेषा ज्येष्ठा और मूल। इन चार नक्षत्र छोड़ के बाकी 27 नक्षत्र जो 23 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आप आरंभ कर सकते हैं। अमंद वारेषु वरम विदारुण ही वरम श्रेष्ठम आरंभ। व्युग्रैश्च भैर मुक्त गलग्रहैर् भवेत्, और कहता है व्युग्रैश्च उग्र नामक ने जो नक्षत्र है छोड़ करके, व्युग्रैश्च भैर में भावन नक्षत्र, मुक्त गलग्रहैर्, गलग्रह नामक तिथियां हैं, गलग्रह नामक जो तिथियां हैं किनके हैं नाम है, चतुर्थी सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी सप्तमी अष्टमी नवमी तीन और त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या, तीन तीन छः और एक सात, ये सात तिथियों को ग्रह गल तिथि या गल ग्रह तिथि कहा जाता है। उन तिथियों को भी छोड़ करके मुक्त गल ग्रह, इसकी व्याख्या हिंदीकार ने की, मुक्त गल ग्रह कांश को छोड़ दिया है, मैंने ग्रहगल संचक तिथियों को मुक्त मैंने छोड़ करके, अर्थात कृष्ण पक्षीय चतुर्थी एवं सप्तमी अष्टमी नवमी और त्रयोदशी चतुर्थी अमावस्या, इन सात तिथियों को छोड़ करके अन्य तिथियों में आरंभितम आरंभ किया गया जो पारायण है वरम श्रेष्ठम। इतना ही नहीं, सद वृषधि नृबोधय, नृबोध नृ मन नर जीव, आप लोग पंचांग लाए हो तो पंचांग के पिछले भाग अंतिम पिछले भाग में नहीं, पिछले कवर में कवर है, पिछले कवर, हाँ वहाँ देखिए, वहाँ पर मिथुन में लिखा होगा, देखिए जीव, हाँ उसको बंद कर दिए तो कोई बात नहीं, मिथुन पर लिखा है ना जीव, मेष में क्या लिखा है उसी लाइन पे, धातु धातु, और वृषभ में मूल और जीव, ये तीन होते हैं धातु मूल जीव, इसलिए आगे क्या होगा, कर्क हो जाएगा धातु, सिंह हो जाएगा मूल और कन्या हो जाएगा जीव, हर तीसरे तीसरे वहाँ जीव हो जाएंगे। अच्छा चार राशि आपका जीव नर राशि कहा जाएगा, चार कौन से होंगे, मिथुन कन्या धनुर और मीन, इन चारों में जीव लिखा हुआ है, मिथुन कन्या धनुर और मीन, इन चार राशियों के स्वभाव वर्णन में अंतिम जो है पृष्ठभाग में आप देखेंगे जीव 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 लिखा हुआ है, जीव मने मनुष्य नर, अरे चार राशियों में कह दिया, तथा लग्न शुद्धि में जो पंचम और नवम स्थान में हो तब पारायण को आरंभ करना शुभ होता है, ये कह दिया गया। इसके अलावा एक और बात क्या है, रिक्ता विमुक्ता सुतिषु अश्रिक यमयि वारयि प्राणोत्त कथा श्रुति श्रिये,
मृदु ध्रुव क्षिप्र चल त्रिपूर्विका कीर्णेशु सत्केंद्र चरोदये भवे रिक्ता विमुक्तासु तिथिषु। रिक्ता तिथि को छोड़कर बाकी तिथियां, दूसरों ने कहा 4, 9, 14 इतना ही छोड़ दोनों पक्ष का। पूर्व ने क्या कहा था, केवल कृष्ण पक्ष का 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15 को छोड़ना है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं केवल रिक्ता तिथि दोनों पक्ष का 4, 9, 14 को छोड़ना है। रिक्ता विमुक्तासु तिथिषु असृग्यमयिर्वारैहि और दो बार ले रहे, मंगलवार और शनिवार से रहित छोड़ के, असृग और यम, यम देवता शनिवार, असृग देवता का आपका है मंगलवार, इन दो वारों को छोड़ करके पुराणोक्त कथा श्रुति श्रीय, पुराणों में लिखे गए कथाओं को सुनने का लाभ क्या होगा, सुनने वाले को भी पैसा ही पैसा हो जाएगा, धन मिलेगा, श्रीय श्री प्राप्ति इत्यर्थ। लेकिन नक्षत्रों को वर्णन कर रहे हैं, तिथि हो गया, वार हो गया, और अब कहते रिक्ता तिथियों को छोड़ के और मंगलवार शनिवार को छोड़ के और इन नक्षत्रों से युक्त हो मृदु ध्रुव क्षिप्र चल त्रिशूर्विका आकिरणेशु, इनके साथ इन नक्षत्र मृदु स्थिर क्षिप्र और चर संज्ञा वाले नक्षत्र और तीनों पूर्वा इन नक्षत्रों से शुभ जो ग्रह केंद्र में वृद्ध सत केंद्र चरोदये, चर संजक वाले नक्षत्र को सहित तीन पूर्वाओं के साथ ले लिया और कहते अब शुभ ग्रह केंद्र में हो और चर राशि का लग्न हो। अब उसी चित्र में आप देखिए जगह जगह चर आ गए, एक एक में चर और आचर, स्थिर चर और स्थिर संज्ञा वाले मिलेंगे आपको, नहीं मिल रहे है ना, हाँ जगह आगे और है, हाँ द्विस्वभाव, द्विस्वभाव है वो, तीन ही प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पहले देखा धातु मूल जीव, वैसे ये भी तीन ही होता है, चर स्थिर द्विस्वभाव, माने चर स्थिर उभय स्वभाव, ऐसे तीन तीन में आएगा। अच्छा चर क्या है, 12 में से तीन जगह आएगा चर, सबसे पहले मेष में, मेष में चर है, फिर हाँ कर्क, फिर तुला में आएगा, मकर में आएगा, ये चार राशियों को लेना, ये चर राशि कहे जाते हैं, मेष कर्क तुला मकर, ये चार राशि चर राशि कहे जाते हैं, फिर चार जो है स्थिर होता है, फिर चार वाले द्विस्वभाव, तीन ही प्रकार के। इन चर राशियों में कहते लग्न, चर राशि का लग्न होनी चाहिए, इन चार में से कोई एक लग्न में हो तब ये कथा आरंभ करके श्रवण किया जाए, वह अत्यंत शुभ होगा, धन प्रदायक होगा, श्रोता वक्ता दोनों धनी हो जाएंगे। अब विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताह की बात कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह मासाह, मतलब मासों का वर्णन कर जिन मासों में आपको भाषोता किया जा सकता है, नहीं जब चाहे तब बुला ले तब कर लो ऐसे बटोरो, ये गलत है। इनमें कथाओं में भी नियम है, सप्ताह में आप गीता प्रेस की जो छपा हुआ दो खंडों में जो भागवत है उसमें द्वितीय खंड के अंत में आप देखेंगे कथा भी, पहला दिन कहाँ समाप्त करना है, कहाँ तक बोलना है, दूसरे दिन फिर कहाँ तक बोलना, एक सामान यहाँ पर बोलेंगे लेकिन वह विशेष फल के लिए अलग अलग दिया है, और सदा सप्ताह पारायण करना कोई जरूरी नहीं, पक्षपरायण भी होता है, मासपरायण भी होता है, पक्षपरायण में विश्राम स्थल कौन सा होगा, मासपरायण विश्राम स्थल कौन सा होगा, वह सब बात यह देख लेना, या फिर सामान्य कथन कर देंगे, मास कथन करेंगे और पारायण का विश्राम, प्रतिदिन के विश्राम का स्थल बता देंगे। देखिए नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर नभाः एते मास कथारंभे श्रोत्रीणां मोक्ष सूचकम्। नभस्य और नभाः, नभस्य और नभ और ऊर्ज एवं शुचि भाद्रपद और अश्विन, ये छह मास में ही हो सकते हैं,
अच्छा कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और आश्विन, ये चारों मास साथ में आ गया आपका, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन चार लगातार है, फिर कार्तिक और मार्गशीर्ष भी लगातार ही आता है, छह महीना ये पूरे के पूरे में आप कर सकते हैं, इन छह महीनों में ही करना है। उसे भागवत सप्ताह पाठक्रम आदि हिरण्याक्ष वधो, द्वितीय भरतावधि, तृतीय गजमोक्षश्च, चतुर्थे कृष्ण जन्म च, पंचमे रुक्मिण्युद्वाह, षष्ठे तु योगिनां कथा, सप्तमे परिपूर्णश्च, सप्ताह क्रमैरितः। पहला दिन की कथा हिरण्याक्ष वध पर्यंत जाकर के विश्राम करना है, दूसरी दिन की कथा भरत जट भरत की जो कहानी है वहां जाके समाप्त करनी है, तृतीय दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा पर्यंत जाना है, चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा करके समाप्त कर विश्राम करना है, पांचवें दिन रुक्मिणी का उद्वाह मने जो रुक्मिणी का विवाह प्रकरण पर्यंत जाना, छठा दिन नव योगेश्वर जो संवाद रोहगण के साथ हुआ नव योगेश्वर संवाद तक जाना है, और अंतिम दिन जो है समाप्त कर देना है, पूरे ग्रंथ को समाप्त कर देना है। ये सप्ताह का क्रम कथन किया गया है विद्वत पुरुषों के द्वारा, ये रीता। अब अगला एक महत्वपूर्ण आ रहा है, जो बहुत लोग हैं यहाँ जो पढ़ लिख रहे हैं, आचार्य बनेंगे, वेदांत आचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरण आचार्य, पीएचडी करेंगे, नौकरी में जाना चाहेंगे, नौकरी में जाना है तो किस मुहूर्त में जाना चाहिए, नौकरी में जाए वो बताने जा रहे। देखिए सेवा मैंने नौकरी मुहूर्त में विचार मुहूर्त चिंतामणि के आधार पर, हस्तद्वय अनुराधायां रेवती युगले मृगे, पुष्ये बुधे गुरौ शुक्रे, सत्तिधौ रविवासरे, योनि राशि पयोर मैत्र्यां स्वामी सेव्य अनुजीविभिः। हस्तद्वय हस्त नक्षत्र और उसके अगला वाला हस्त के बाद कौन आता है हमेशा चित्रा, हस्त और चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रेवती और रेवती का अगला वाला अश्विनी नक्षत्र, इनके अलावा मृग मने मृगशिरा पुष्य, इतने नक्षत्र में आप जाके नौकरी में शामिल हो सकते हैं। कहते ज्वाइनिंग बोलते नहीं भाषा में, क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग अंग्रेजी में बोलते, नौकरी में जा करके शामिल हो जाए। और वार कौन से होनी चाहिए, बुधवार गुरुवार शुक्रवार होना चाहिए, तिथियों में शुभ तिथि निषिद्ध युक्ता तिथि को छोड़कर बाकी सब शुभ माना गया सामान्यतया, सत्तिथौ रविवासरे, रविवार को दिन भी जाके नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आज के जमाने बड़ा मुश्किल, रविवार को ऑफिस खुला नहीं होता है, हाँ प्राइवेट में जा सकते हैं, प्राइवेट में तो गुरुवार मार्केट बंद होता है, भले गुरुवार ने बोला गुरुवार तो जा ही नहीं सकते नौकरी में, यहाँ मार्केट बंद, दुकान में नौकरी कैसे करेगा, रविवार को जाकर भी शामिल हो सकते, जहां जैसा छुट्टी के है उसी हिसाब समझ लें। एवं योनिपति और राशिपति दोनों मैत्र्याम, दोनों में मित्रता होनी चाहिए, स्वामी से व्यनुजीवी भी, स्वामी के द्वारा अनुजीवी नौकर कर नौकरी करने की चाहने वाले लोग अवश्य सेवन करना चाहिए, सेवन करने योग्य मानना चाहिए, स्वामी और सेवक दोनों की योनि और राशि के स्वामी ने परस्पर मित्रता होनी चाहिए, इसलिए मालिक की भी कुंडली जरूरी है, मालिक की कुंडली की कैसे कौन सी योनि का है, या तीन योनि था ना, मानव योनि, राक्षस योनि, देव योनि, तीन योनियां बताया था, नक्षत्रों को बांट दिया 27 नक्षत्र तीन में, अरे हम राशि के भी अपने स्वामी, हर एक राशि 12 राशि के स्वामी हैं, उन स्वामियों के परस्पर मित्र होना चाहिए, तब वहां नौकरी आपका स्थायी चलेगा, नहीं तो जल्दी वो भगा देगा, नौकरी छोड़ने पड़ते ना आजकल, कंपनी को छोड़ छोड़ के भागते रहते बेचारे, यही परिस्थिति देखते हैं नहीं मूर्त मिलाने, तुरंत जाके शामिल हो जाते हैं वहाँ पर, और फिर परेशानी झेलते रहते हैं, मूर्त में जाओ सुखी सुखी रहोगे। अब कुछ लोग कथाकार बनना चाहते हैं, उनको संगीत सीखना जरूरी होता है, बिना संगीत का क्या कथा करेगा आज के जमाने में, वो जमाना गया व्यास के जो बैठ के कथा करना, आजकल तो बाजा गाजा चाहिए साथ में, हाँ कथा और खुद भी नाचते हैं, ऐसे भी कथा करोगे, खुद नाचेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, हमने देखा होगा वो
या बोलते दक्षिण में कोई एक गुरु है, योगी गुरु, वो स्टेज पर नाच रहे थे। ऐसे बहुत हुए, और उसमें से एक दो तो जेल में पड़े हैं सब जो नाच रहे थे। हाँ, वो जेल में भी गए हैं। तो इसीलिए ये सब जो है मूर्त देखिए, नाचना भी सीखो, संगीत भी सीखो, ताकि ये मुसीबत ना आवे आपको। नहीं, ऐसे मुसीबत आपके साथ ना होवे। मूर्त देख के संगीत सीखना आरंभ करो, नृत्य सीखना भी आरंभ करो, तो स्टेज पे संगीत गाओ, नाचो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैत्रार्कात्य वसुत्तरेज्य वरुणः सेन्द्रय शुभम नर्तनम लग्ने च्य गुरु वीक्षित। जे हो गया अलग करना, लग्ने अलग पदे, लग्ने ज्य गुरु वीक्षिते हिबुक गई सौम्यश्च संगीतकम। मैत्रार्कात्य वसुत्तरेज्य वरुणः सेन्द्रय शुभम नर्तनम लग्ने च्य गुरु वीक्षिते हिबुक गई सौम्यश्च संगीतकम। मित्र देवता कुशी नक्षत्र तीनों उत्तराएं, हस्त नक्षत्र अर्घ देवता और वसु देवता अनुराधा, तत्तरे इज मान इंद्र देवता ज्येष्ठा, वरुण देवता जो आपके शतभिषा, ये सेंद्र ही ये रेवती सहित तो इन नक्षत्रों में, तथा लग्न कैसा हो, शुभम, लग्न भी शुभ हो। तथा लग्न को कौन देख रहे, लग्ने ज गुरु वीक्षित, बुध का दृष्टि, गुरु कहीं भी बैठा हो इसकी दृष्टि लग्न में पड़ना चाहिए, बुध और गुरु की दृष्टि उसमें भी, अर्थात जहाँ लग्न है उसके सप्तम भाव में होना चाहिए बुध या गुरु, तब पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ जाएगा। स्व वृद्ध स्थल में बैठने पर होता है, दृष्टि पड़ा वीक्षित है हिबुक गई ही। और चौथे स्थान में शुभ ग्रह सौम्यश्च, शुभ ग्रह से युक्त हो तो संगीतकम नर्तनंच शुभम, संगीत सीखना आरंभ करना, नृत्य सीखना आरंभ करना अत्यंत शुभ होता है। अब अन्य कलाओं में पहुँच रहे, शिल्प विद्या मूर्ति विचार, शिल्प कलाएं होती है अनेक प्रकार के, मूर्ति बनाना भी शिल्प कला है, मूर्तियों को बनाना और चित्र बनाते, नहीं विभिन्न प्रकार चित्र बनाते हैं, भगवान के भी चित्र बनाते हैं, रंगोली भी लगाते हैं, आजकल इसके भी बड़े जो है प्रतिस्पर्धा होती है, इनकी भी कंपटीशन रंगोली का, बड़े बड़े लगाए तो इतना बड़ा बड़ा बना दिया, एक से एक सुंदर, देवी देवताओं को भी सड़क पे बना डालते हैं, गरीबी बनाते हैं बहुत बढ़िया, और लोग देख देख के पैसा फेंकते हैं, कमाल हो गया, श्रद्धा करो, लेकिन सोच समझ के करो, सड़क पर हम बना दिया उस पर तुम कर रहे हो, सही या गलत विचार नहीं करते, वो तो कला है। उन कलाओं को कब सीखना है, आरंभ करना है, उसके लिए मूर्त चिंतामणि के आधार बोलते हैं, पूर्व वाला मुहूर्त मारतंड पे आधार पड़ता, यह मूर्त चिंतामणि के आधार पर है। मृदु ध्रुव क्षिप्रचरे जे गिरो वा ख लग्न गे विधौ जीव वर्गस्थ है शिल्प विद्या प्रशस्यत। मृदु ध्रुव क्षिप्रचर इन संज्ञा वाले नक्षत्रों में तथा लग्न में, या जो है दसवें स्थान में बुध ग्रह बैठा हो अथवा गुरु हो, ज जीव वर्गस्थ है अथवा विधौ, विधु माने चंद्रमा, बुध गुरु के षड वर्ग में चंद्रमा भी बैठा हुआ हो, तो शिल्प विद्या पत्थर आदि की कारीगरी, चित्रकलाएं इत्यादि को सीखना शुभ मुहूर्त माना गया। अब आते हैं ईंट के भट्टी, ईंट के निर्माण, फिर इंटिका को, पहले इष्टिका का निर्माण की मुहूर्त बताएंगे दो प्रकार से, फिर इष्टिका को आप थोड़ा धूप में सुखाने के बाद भट्टी पे चढ़ाएंगे, आग देंगे, आग देने का मुहूर्त बताएंगे, फिर पक गया आग के द्वारा भट्टी में, तदनंतर और उसको बेचने के लिए बाहर निकालोगे, बाहर निकालने का मुहूर्त, तीन मुहूर्त ईंट संबंधी प्रकार भेद से वर्णन करने जा रहे। देखिए इष्टिका निर्माण मुहूर्त, मुहूर्त निबंध के आधार पर है। उत्तरा श्रवणे पुष्ये ज्येष्ठांत्ये रोहिणी करे,
श्री अंगेर के गुरु मंदो इष्टिकारंभमाचरे। तीन उत्तरा, तीनों उत्तरा उत्तरा श्रवण नक्षत्र, पुष्य ज्येष्ठा, अंत में रेवती रोहिणी और कर्म ने हस्त, इन नक्षत्रों में तथा रवि गुरु शनि इन वारों में। अर्के गुरु है ना, अंगे अर्के गुरु मंदे, अर्क मने रवि हो गया, गुरु मने गुरु, मंद मने शनि, ये तीन वार ले लिया। एवं स्थिरे अंगे, स्थिर राशि हो, स्थिर राशि हो तब इष्टिकाओं को निर्माण करने आरंभ करना शुभ माना गया है। अतः दूसरी प्रक्रिया बता रहे, सूर्य के नक्षत्र आरंभ करके तय करो इष्ट का निर्माण करने का चक्र बता रहे हैं। 5, 3, 3, 5, 7, 5 नक्षत्रों का विभाग करता हुआ करने के लिए कहते हैं। देखिए, पंच त्रीणी त्रिकम पंच सप्त पंचावने भात, पंचावने भात, अवने मने सूर्य, पंच त्रीणी त्रिकम पंच सप्त पंचावने भात शुभाशुभम क्रमेण निर्माणे चेष्टिका फलम। सूर्य का अवनीय, सूर्य का भात बने नक्षत्र, उस नक्षत्र से आरंभ करके पहला 5 नक्षत्र शुभ होता है, उसके अगले का 3 अशुभ होता है, उससे अगले का 3 शुभ होता है, उससे अगले का 5 अशुभ होता है, फिर 7 शुभ होता है, अंतिम 5 अशुभ होता है। शुभाशुभ शुभाशुभ लेना क्रम से। कहते देखो नक्षत्र दिखा दिया, 5, 3, 3, 5, 7, 5 सूर्य का नक्षत्र से आरंभ करके 5 नक्षत्र पहले लिखूंगा, उत्तरवर्ती 3, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 5 कुल 27 पूरे हो गए। पहले 5 का फल है सौख्य, अगले 3 का फल है अशुभ मने मृत्यु, फिर 3 का फल है सौख्य, फिर 5 का फल है मृत्यु, फिर 7 का फल सौख्य, अंतिम 5 का भी मृत्यु। शुभाशुभ क्रम से लेना। उसी सूर्य नक्षत्र से आरंभ करके विष्टिका के अग्नि दाह के क्रम में थोड़ा अंतर है। 5, 3, 5 तो नहीं लेना, अलग क्रम से बता रहे। सप्त पंचाद्रिवेदैश्च पंचभिश्च क्रमात् फलम शोकम लाभम रुजम भीतिम सौख्यम कुर्यात् क्रमेण वै। सूर्य के नक्षत्र से क्रमात् आप लिखिएगा 7 नक्षत्रों को पहले, फिर लीजिएगा 5, फिर अद्रि मने 7, वेद मने 4, फिर 5, 7, 5, 12, 7, 19, 4, 23, 5, 27, 28 नक्षत्र ले लिया अभिजीत सहित। पहले का शोक है, दूसरे का लाभ है, तीसरे प्रकटक का जो है रोग है, चौथे का भय, पांचवे का सुख है। मने आपका दूसरा और सातवां में जो आए हुए जो नक्षत्र है उन्हीं में ही अग्नि देना आरंभ करना, भट्टी को आरंभ करना उचित होता है। 7 में शोक है, क्रम से बता देना, शोकम लाभम रुजम भीतिम सौख्यम कुर्यात् क्रमेण वै। अविष्टिका निस्सारण चक्र, अविष्टिका तैयार हो गए, उसको बेचना है, ट्रक पे ट्रैक्टर पे बुग्गी पे लाद करके भेज देते हैं ना, निकालते हैं वहां से बेचते हैं, उसके निस्सारण का बारे वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भी सूर्य नक्षत्र से आरंभ करके क्रमशः त्रिकम पंच त्रिकम चैव सप्त पंच च वेदकम शुभाशुभ फलम चैवम इष्टि निस्सारणे बुधे। 3, 5, 3, 7, 5 वेदकम बने 4। सूर्य नक्षत्र से पहला 3 नक्षत्र में शुभ है, उसके अगले 5 नक्षत्रों में अशुभ है, फिर 3 नक्षत्रों में शुभ, उसके अगले के 7 नक्षत्रों में अशुभ, उससे आगे 5 में शुभ, अंतिम 4 में अशुभ। शुभाशुभ क्रम से ले लेना इसीलिए। अब यहां से आगे वार कृत्य आरंभ करते हैं। आपके पंचांगों में वार कृत्य लिखा रहता है, इसमें भी होगा, पूरे चार्ट बना हुआ रहता है, छोटे छोटे पंचांग में छाप देते हैं, आपके ज्ञानपीठ के पंचांग में भी छपा हुआ है प्रमुख वार कृत्यों को, या अलग अलग श्लोकों से विस्तार में बताएंगे, वहां संक्षेप में आपको मिलेगा। रविवार कर्म बता रहे ज्योतिष सार के आधार पर,
राज्याभिषेकोत्सव यान सेवा गोवन्य मंत्र औषधि शस्त्र कर्म सुवर्ण ताम्रौर्णिक चर्म काष्ठ संग्राम पण्यादि रवौ विदध्या। रविवार में इन कर्मों का अवश्य विधान करना चाहिए, मैंने आरंभ कर देना चाहिए। कौन से कर्म? सबसे पहला कहा राज्याभिषेक हो, या कोई उत्सव है, जैसे किसका शताब्दी उत्सव मनाना है, किसका पट्टाभिषेक महोत्सव मनाने हैं, वो आ रहा है, ऐसे गलत तिथि पे पड़ रहा है तो क्या करें? दो तिथि पहले करना तो पहले से शुरू करो। जैसे कहले होते शताब्दी एक साल पहले से शुरू कर देते हैं, कोई एक हफ्ता पहले शुरू कर देते हैं। कारण यही है, वो जिस दिन होना है मुख्य दिन, वो दिन शुभ नहीं है, नक्षत्रवार तिथि अनुकूल नहीं पड़ रहा है, इसे पूर्ववर्ती जो भी शुभ होगा वहां से शुरू करो। जैसे इन्होंने शुभ कह दिया, रविवार से शुरू कर दो। उत्सवों को आरंभ करना रविवार से आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। यात्रा आरंभ करना, राज सेवा नौकरी आरंभ करना भी, आजकल तो ऑनलाइन नौकरी तो रविवार से भी हो सकता है। गाय संबंधी काम, गौ संबंधी जो क्रियाकलाप है, और यज्ञ यागादि मंत्रोपदेश औषध आरंभ बनाने के लिए आरंभ करना रविवार के दिन आरंभ करो। शस्त्राभ्यास आरंभ करना, सुवर्ण संबंधी व्यवहार आरंभ करना, तांबा ऊन चमड़ा काष्ठ में लकड़ी इत्यादि के सामान को बनाने के लिए आरंभ करना रविवार के दिन आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। और युद्ध लड़ रहा है, युद्ध को घोषणा करो, रविवार के दिन घोषणा कर दो, श्रेष्ठ होता है। और अंत कहते हैं इतिरिक्त इन सब विषय को व्यापार का आरंभ करना भी रविवार का दिन श्रेष्ठ होता है। सोमवार के कर्मों का वर्णन करने जा रहे, शंकाप्च मुक्ता रजत क्षुभोच स्त्री वृक्ष कृष्यम भविभूषणाध्या गानम कृतुक्षीर विकार श्रृंगी पुष्पाम्बरारंभण बिंदुवारे। इंदुवारे सोमवार में शंख अब्ज मने कमल, मुक्ता मने मोती, और रजत मने चांदी, इक्षु भोज मीठा भोजन मैंने मिठाइयों का आर बनाना आरंभ करना, स्त्री का संग करना, स्त्री वृक्ष वृक्ष के संबंधी रोपण आदि हो काटना हो, कृष्यम कृषि कर्म और जल कर्म, अम्ब कृषि अम्ब अम्ब मने पानी, और विभूषणाद्या कृष्यम्भ विभूषणाध्या कृषि अम्भ मने जल संबंधी कर्म आभूषणादि एवं गायन कर्म, गायन के साथ कृतु मने यज्ञ, क्षीर मने गोरस दूध संबंधी और कार्य एवं विकार, क्षीर विकारो श्रृंगी पुष्प श्रृंग संबंधी व्यवहार, सिंह का क्या है, श्रृंग भस्म आदि बनाते हैं ना लोग, सिंह का भस्म बनता है, हिरण के सिंह का भस्म, श्रृंग भस्म बनते हैं, अलग अलग श्रृंगों के भस्म का अलग अलग फल होता है। जो दमे का बीमारी है उसके लिए श्रृंग भस्म बहुत ही बढ़िया माना जाता है, बहुत कामगार है, अलग अलग भस्म अलग अलग काम में आता है। ये जो आपके हिरण का जो सिंह होता है वो भी बहुत काम का है, जैसे दमा के लिए हुआ वैसे गौ सिंह मरे हुए गौ का लेना है उसका भस्म बनाया जाता है। अलग अलग रोगों के लिए सब आयुर्वेद में अनेकों चीज़ों का मृत प्राय वस्तु है, मृत वस्तुओं का लेना है, लेकिन जिंदे को मार के नहीं निकाल लेना, मरे हुए हैं और उनका मिल गया आपको सिंह तो उसको लेकर के बना उसका फल बता है। शंख भस्म होता है, शंख भी क्या हटी है उसका भस्म होता है। श्रृंगी पुष्प और अंबरा और वस्त्र धारण ये तत् संबंधी कर्म सोमवार को ही करना श्रेष्ठ होता है। भौमवार कर्म मंगलवार के कर्म भेदानृतस्थेय विषाग्निशस्त्र वदाभिगाथव शाट्यदम्भान सेना निवेशाकर धातु हेम प्रवाल रत्नानि कुजे विदध्या। किसी के बीच में फूट डालना, चमचागिरी करके फूट डालना, आग लगाना, दो के बीच में भेद करना, सामदान दंड भेद, भेद एक नीति है, भिड़ाना दो के बीच में, झगड़ा पैदा कर देना,
भेद डालना, मंगलवार के दिन आराम करो एक काम, तुम सफल हो जाओगे, नहीं तो तेरी पुल पट्टी खुल जाएगी, उल्टा पड़ेगा मामला। अंडित झूठ बोलना, मंगलवार के दिन बोला झूठ सच हो जाता होगा, झूठ बोला जा सकता है मंगलवार को। और चोरी करना भी स्थे, चोरी भी तुम्हारा सफल होगा, पकड़ा नहीं जाएगा, चाहे CBI लगा दो तो भी पकड़ में नहीं आएगा, मंगलवार का दिन चोरी करो, बताओ ये भी विधान कर दे। झूठ बोलने का विधि, भेद डालने का विधि, चोरी करने का विधि, किसको जहर देना है मंगलवार का दिन जहर दे के मार डालो, पता नहीं चलेगा दुनिया को किसने दिया, बताओ। विष भी, विष बनाना भी लेना, केवल दे के मारने वाली बात नहीं, जहर बनाना के आरंभ करना भी है तो मंगलवार को आरंभ करो, जहर पाने की फैक्ट्री लगाना है मंगलवार के दिन फैक्ट्री उद्घाटन करो। और अग्नि संबंधी जो तत्व है, भाई गैस का जो आपको कनेक्शन का मिल गया ना, दुकान लगाने मिल गया, गैस एजेंसी तो अग्नि संबंधी तो है। इस तरह जितने भी अग्नि संबंधी चीज़ें हैं उनका कार्य संबंध आरंभ करना है तो मंगलवार को आरंभ करें। वध सीधा ही बोल दिया, वध जैसे किसी हत्या करनी हो, अभिघात जिसको नाश कर देना हो, संग्राम करना है, आहव आहवे है ना, आहव आया ना गीता में भी, आहव सकता है युद्ध के लिए, युद्ध आरंभ करना है, साठ्य कपट करना है किसके साथ, ढोंग रचना है, दम्भ सेना की रचना करना, और खान खोदना, निवेश, निवेश मैंने धन आदि का निवेश करना, शेयर, शेयर्स में निवेश करते हैं ना, पूंजी निवेश करना, और आकर मैंने खान खोदना, धातु विभिन्न प्रकार के धातु लोहे आदि का व्यवहार व्यापार आदि आरंभ करना, हे मैंने सोना प्रवाल आदि रत्नों का संबंधी जो कार्य है मंगलवार के दिन आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। बुधवार के कर्म वर्णन कर रहे, बुधवार कर्म नेपुण्य पुण्याध्ययन कलाश्च शिल्पादि सेवा लिपि लेखनानि धातु क्रिया कांचन युक्ति संधि व्यायाम वादाश्च बुधे विधेया। चातुर्य पुण्य, चातुर्य निपुणता पाने के लिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में निपुणता पाने के लिए बुधवार में क्षेत्र कार्य को आरंभ करो। पुण्य कर्म अध्ययन कर्म कलाएं सेवा शिल्पादि सेवा और लिपि लेखन कार्य धातु क्रिया कांचन सोने का संयोजन कांचन युक्ति संधि और मैत्री करना शत्रु के साथ और व्यायाम अंत में कह दिया कोर्ट कचरे में वाद दाखिल करना है वाद विवाद संबंधी व्यवहार आप यदि बुधवार का दिन करें आप विजयी होंगे आपके पक्ष में सब होगा श्रेष्ठ होगा। और गुरुवार का कर्म क्या है धर्म क्रिया पौष्टिक यज्ञ विद्या मांगल्य हेमांबर वेश्म यात्रा रताश भैषज विभूषणादि कार्य विदध्या सुर मंत्री वार देवताओं का मंत्री बृहस्पति के वार गुरुवार के दिन इन कार्यों के विधान करनी चाहिए। क्या धार्मिक क्रिया पौष्टिक माने ग्रह शांति क्रिया यज्ञ और विद्या का अभ्यास किसी विद्या का अभ्यास आरंभ करना शुभ कर्म करना मांगल्य कर्म शुभ कर्म सुवर्ण माने सोना अंबर माने वस्त्र वेश माने मकान घर द्वार आदि एवं यात्रा आरंभ करना। इसके अलावा रथ अश्व भैषज माने औषधियों का निर्माण एवं आभूषणों के संबंधी कर्म इनके संबंधी कर्मों को गुरुवार के दिन आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। शुक्रवार कर्म कथन कर रहे हैं स्त्री गीत शैया मणिरत्न गंध वह अलंग है ना ये दीर्घ होना चाहिए ना वस्त्रोत्सवालंकरण उत्सवालंकरणादि कर्म स्त्री गीत शैया मणिरत्न गंध वस्त्रोत्सवालंकरणादि कर्म भूषण्य गोकोश कृषि क्रियाश्च सिद्ध्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्था। शुक्रस्य दिने शुक्रवार के दिन किए गए इन कार्यों में पूर्णतया सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कौन से कर्म से
स्त्री संग, गीत विद्या, शैया, मणि, रत्न, गन से चंदन, वस्त्र, उत्सव, अलंकरण आदि कर्म एवं पृथ्वी खरीदना बेचना आदि पण्य मन अन्य व्यापार, गौ संबंधी व्यवहार, कोष भंडार संबंधी व्यवहार, कृषि खेती संबंधी व्यवहार, ये सारी चीजें पूर्णतया समस्ताः सिद्ध्यन्ति शुक्रस्य दिने। शनिवार कर्म दो बार यहाँ पर स्त्री संग आया, एक तो सोमवार के दिन आरंभ करना स्त्री संग कहा और अंत में यहाँ शुक्रवार के दिन भी स्त्री संग के बारे में कहा है। इन दो वारों में आरंभ किया जा रहा है जो स्त्री संग वह सफल होता है। जैसे आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है बात भी जानना, नहीं कि ये लोग प्रेम प्रसंग शुरू कर देते हैं, स्त्री संग करना चाहते हैं, और विवाह के बाद भी स्त्री संग पहली रात संबंध करने के लिए भी ये सब जरूरी है, व्यवहार संबंध ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल की जिस दिन शादी उस दिन लाएंगे उस दिन ही छोड़ देते हैं, गौणा कर देते हैं, वार और कौन ध्यान देगा। स्त्री संग का वार सोमवार और शुक्रवार दो ही श्रेष्ठ है। और शनिवार के कर्म के बारे बता रहे, लोहाश्वशीष त्रपुशस्त्र दास पापांडरपस्तेय विशार्क विद्याम गृह प्रवेश द्विपबंध दीक्षा स्थिरंच कर्मार्कसुते निकुर्यात्। अर्कसुते शनिवार शनि उसके अन्य उसके वार में इन कर्मों को करना चाहिए। लौह संबंधी कार्य, अश्व माने पत्थर संबंधी कार्य, सीसा संबंधी कार्य, त्रपु माने जस्ता संबंधी कार्य, त्रपु शस्त्र शस्त्र व्यापार, दास का क्रयण विक्रयण, पाप करना भी होती इसी दिन कर लेना है कि नहीं बताओ भाई, पाप करना बोल, और अंडृत अंड्रिप है ना, अंड्रिपस्थेय है अवसर, अंड्रितस्थेय होना चाहिए, अंड्रिपा ने पॉकता लिखो अंड्रितस्थेय, इसका अर्थ ये करे असत्य और चोरी, गृह प्रवेश, इसके अलावा गृह प्रवेश, अस्थेय विष और अर्क विद्या सूर्य संबंधी विद्या, गृह प्रवेश और द्विपबंध दीक्षा, द्विप में हाथी को बांधने की कला सीखना, स्थिरंच कर्मार्क सुतन्निकुर्या, मंत्र दीक्षा और अन्य जो भी स्थिर कर्म करना चाहते हो वह सब शनिवार के दिन आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए वास्तु श्लोक पाठ ऐसे होगा, लोहाश्वशीष त्रपुशस्त्र दास पापांडृत स्थेय विशार्क विद्याम गृह प्रवेश द्विपबंध दीक्षा श्रंच कर्मार्क सुतन निकुर्या। इस प्रकार से वारकृत्य का विचार समाप्त हो जाता है। अब पंचक विचार आरंभ करते हैं। पांच प्रकार के पंचक होते हैं, धनिष्ठा पंचक, शतविषा पंचक, उर्वा भाद्रपदा पंचक, उत्तरा भाद्रपदा पंचक और रेवती पंचक नाम से होता है। अलग अलग पंचकों का अलग अलग बात कहेंगे, इन सभी पंचकों का बात बराबर है। यदि कोई जन्म लिया उस पंचक के दौरान तो उस कुल में या उस गांव में शीघ्र ही पांच और जन्म हो जाएंगे, और इस पंचक में एक की मृत्यु हुई उस घर में या उस गांव में निश्चित में शीघ्र ही पांच मृत्यु हो जाएंगे। मृत्यु और जन्म दोनों के लिए पंचक देखा जाता है, बाकी के लिए नहीं। धनिष्ठा पंचकं ग्रामे षद्भिषा कुल पंचकं पूर्वा भाद्रपदा रथ्यास चोत्तरा गृह पंचकं रेवती ग्राम बाह्यंच एतत् पंचक लक्षणम्। पंचक जानने की रीति नीचे बता रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र को ग्राम पंचक कहा जाता है, धनिष्ठा पंचक को ग्राम पंचक कहा जाता है, अर्थात उस काल में उस गांव में यदि किसी का जन्म एक का जन्म हुआ तो शीघ्र इस गांव में और पांच जन्म हो जाएंगे। यदि इस धनिष्ठा पंचक में किसी का मृत्यु हो गई तो उस गांव में पांच और मृत्यु अवश्य होंगे। एवं
शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा मैंने शतभिषा नक्षत्र, उसको कुल पंचक कहा जाता है। जिस कुल में एक का जन्म मृत्यु हुआ है उस कुल में अब पांच जन्म या पांच मृत्यु होंगे। आज शतभिषा नक्षत्र का पंचक का इसका नाम कुल पंचक नाम रख दिया। धनिष्ठा नक्षत्र के पंचक को ग्राम पंचक नाम रखा है, शतभिषा नक्षत्र के पंचक को कुल पंचक नाम रख दिया, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के पंचक को कहते हैं आरथ्या पंचक। इसको कहते हैं आरथ्या पंचक, शेरी पंचक अथवा मोहल्ला पंचक। गांव हुआ है कि नहीं, कुल हुआ, अब हो मोहल्ले में पहुंचे। जिस मोहल्ले में एक मृत्यु हो एक जन्म हो उस मोहल्ले में यदि शतभिषा पूर्वाशा जो है भाद्रपद नक्षत्र का पंचक में जन्म मृत्यु होता है और पांच जन्म पांच मृत्यु का कारण बन जाता है। और उत्तरा भाद्रपदा का जो पंचक है उस पंचक का नाम रख दिया गया है गृह पंचकम। अर्थात जिस घर में कुल नहीं, अभी कुल से भी हट गया घर, गांव से हट गए मोहल्ला, पहले लिया गांव, गांव के बाद कुल में आए और गांव का एक हिस्सा मोहल्ले में पहुंचे और कुल में भी हिस्सा स्वगृह में पहुंच गए। और गृह पंचक में क्या होता है, उस जिस घर में किसी की मौत हुई तो पांच और चार मौत हो ही जाएंगे, जिस घर में किसी का जन्म हुआ और पांच जन्म अवश्य हो जाएंगे। अंत में आता है रेवती नक्षत्र निमित्तक पंचक, उस ग्रह पंचक का नाम है ग्राम बाह्य पंचक। जिस घर के गांव के बाहर किसका जन्म हुआ तो बाहर में ही और पांच जन्म होंगे, और बाहर में किसी की मृत्यु हुई बाहर गए हुए और पांच का मृत्यु हो जाएगा, ऐसे गृह बाह्य पंचक कहा जाता है। इस प्रकार से इस पंचक के लक्षण को समझना चाहिए।